जी हाँ, नोट कीजिए, मेष राशि आपके लिए दिन अच्छा है। जम के मेहनत कीजिए, आपको कार्य करने का मौका भी मिलेगा, कार्य करने के बाद आपको सुकून भी मिलेगा। बस एक सावधानी रखिएगा, इस दिन जिन लोगों को पेट खराब रहते हैं वो थोड़ा ध्यान रखें। उपाय क्या करना है दिन को बेहतर बनाने के लिए, आप ओम ब्रह्म बृहस्पतिय नमः का जप करें, फिर अपने काम पर जुटें, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि आपके लिए यह दिन अनुकूल है। बस जिन लोगों को पेट या पेट से नीचे दिक्कत रहती है वह अपना ध्यान विशेष रूप से रखें, बाकी भाग्यपक्ष साथ देगा। एक छोटी सी सावधानी, यदि आप यात्रा में जाएं तो अपनी सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखें। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, आप चावल का दान जरूर कीजिएगा। मिथुन राशि यह समय आपके लिए अच्छा है, शत्रु परास्त होंगे, उसके साथ साथ धनार्जन के लिए भी ये दिन विशेष है। कहीं बाहर जाने का मौका भी मिल सकता है, लोगों से मिलने जुलने का मौका भी मिल सकता है। एक सावधानी जरूर बरतनी होगी आपको, वाहन ध्यान से चलाएं। उपाय क्या करेंगे दिन को बेहतर बनाने के लिए, आज आप हल्दी का तिलक लगाइए और हो सके तो पीले वस्त्र धारण कीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कर्क राशि आपके लिए ये वक्त बहुत अच्छा है, मेहनत कीजिए, बहुत सारी परेशानियों का इस दिन अंत हो सकता है, आगे बढ़ने के मौके आपको मिलेंगे। लेकिन एक सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है, इस दिन अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए और घमंड में किसी से कोई बात मत कहिएगा। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, भगवान विष्णु का जप कीजिए, उसके बाद अपने काम पर निकलिए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। सिंह राशि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, जिन लोगों को सर आँख की दिक्कत रहती है वो थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा रखिएगा, बाकी कुल मिला के दिन ठीक है, चिंता ना करें। बस एक सावधानी, वाहन चलाते वक्त और किसी को धन देते वक्त जरूर रखें। उपाय क्या करना है, बहुत सरल सा उपाय है, पका हुआ भोजन किसी भी जरूरतमंद को दे दीजिए, उसके बाद खुद भोजन ग्रहण कीजिए, बस दिन अच्छा गुजरेगा। कन्या राशि भाषा का प्रयोग बहुत सोच समझ कर कीजिएगा, इस भाषा की वजह से आज आपको कुछ विशेष मिल सकता है और कुछ जा भी सकता है अगर भाषा गलत हुई तो। एक सावधानी जरूर बरतनी है, इस दिन धन का सही इस्तेमाल कीजिएगा। उपाय क्या करना है दिन को बेहतर बनाने के लिए, आज पीले वस्त्र जरूर धारण कीजिएगा। तुला राशि आपका क्रोध आपके लिए बहुत परेशानी का सबब बनने जा रहा है, इसका ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ घर गृहस्थी में भी कहीं कोई परेशानी हो सकती है, आप बहन भाइयों का माता पिता का ध्यान रखें। उपाय क्या करना है इस दिन आपको ओम ब्रह्म बृहस्पतिय नमः का जप करना है, थोड़ी देर अपने इष्ट का ध्यान करके फिर अपने काम पर जुटना है, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, क्रोध और अहंकार से बचिएगा, और अगर ये सब किया तो दिन बहुत अच्छा गुजरने वाला है, कुछ विशेष हासिल होने वाला है, किसी की मदद मिलने वाली है। सावधानी क्या रखेंगे, वाहन चलाते वक्त एक तो सावधान रहना है और यदि आप केमिकल्स पर या आग पर कार्य करें तो थोड़ा अलर्ट रहें। उपाय क्या करेंगे दिन को बेहतर बनाने के लिए, ओम नारायण नमो नमः का जप कीजिए, अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। धनु राशि के लिए भाग दौड़ भरा देना है, तो आप भाग दौड़ के लिए तैयार रहिए, ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, काम रुकेंगे जरूर, धैर्य रखिएगा और मेहनत करते रहिएगा। लेकिन एक सावधानी बहुत जरूरी है, इस दिन किसी से वाद विवाद मत कर बैठिएगा। उपाय क्या करना है, चावल का दान कीजिए, अपने काम पर जुटिए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। मकर राशि यह दिन आपके लिए अच्छा है, इस दिन धन से संबंधित कोई अच्छा कार्य हो सकता है, आज आपकी बातचीत का बड़ा सकारात्मक असर पड़ने वाला है। लेकिन एक सावधानी जरूर बरत लीजिएगा, जिन लोगों को ठंड की शिकायत है वो अपने गले का विशेष रूप से ध्यान रखें। उपाय क्या करेंगे इस दिन को बेहतर करने के लिए, आज आप उड़द की दाल और सरसों के तेल का दान जरूर कर दीजिएगा। कुंभ राशि यह आपके लिए दिन थोड़ा चिंताएं देने वाला है, वैसे कोई परेशानी नहीं लेकिन आप चिंतित रहेंगे, थोड़े से उदास से रहेंगे या शरीर में थकन का अनुभव करेंगे। एक सावधानी जरूर बरतनी है, इस दिन यदि किसी विशेष व्यक्ति से मिलना हो या कोई विशेष कार्य करना हो तो आलस्य की भेंट ना चढ़ जाए, ये आपका कार्य, ये ध्यान रखना है, काम जरूर करना है, उसके सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। उपाय क्या करना है दिन को अपने भीतर बनाने के लिए, आप ओम नारायण नमो नमः का जप करें, एक हल्दी अथवा चंदन का तिलक लगावें और अपने काम पर जुट जाएं। मीन राशि यह दिन आपके लिए धन को लेकर कुछ परेशानी ला रहा है, तो धन खर्च करने से पहले ध्यान से सोच लीजिएगा और कोई बात अनर्गल किसी से ऐसे ही मत कह दीजिएगा, नहीं तो वो आपका दुश्मन हो जाएगा।
सावधानी क्या रखनी है, यात्रा करने में आप थोड़ा सावधान रहें और यदि आपको ठंड की कोई दिक्कत रहती है तो भी सावधान रहें। उपाय क्या करेंगे, इस दिन गुनगुना पानी 3-4 बार जरूर पीजिएगा और थोड़े से गुड़ का सेवन अवश्य कीजिएगा स्वयं भी, और गुड़ या गुड़ से बनी हुई चीजें लोगों को खिलाइएगा भी, अच्छा होगा। ये है ABP News, आपको रखे आगे।